तो हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर और गॉर के नेक्रो शॉट में से ज्यादा पावरफुल वेपन कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब से थॉर लव एंड थंडर में नेक्रो शॉट को दिखाया गया है, तब से सभी मार्वल फैंस यही जानना चाहते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रो शॉट में से ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रो शॉट दोनों ही मार्वल के मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है, और ये दोनों वेपन्स गॉड्स के वेपन्स है, जिसमे स्टॉर्म ब्रेकर गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर का वेपन है, तो वही नेक्रो शॉट सिम्ब्रॉट के गॉड नल का वेपन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हमने स्टॉर्म ब्रेकर को MCU से लिया है और नेक्रो शॉट को कॉमिक बुक से लिया है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर थॉर का नहीं बल्कि बीटा रिवेल का वेपन होता है, और कॉमिक्स के अंदर इसके पावर को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। बात करें अगर नेक्रो शॉट की, तो नेक्रो शॉट को हमने अभी तक मार्वल मूवी में नहीं देखा है, इसीलिए हमने नेक्रो शॉट को कॉमिक बुक से लिया है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में नेक्रो शॉट की पावर को काफी अच्छे तरह से एक्सप्लोर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉर्म ब्रेकर की, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर एक पावरफुल एक्स यानी कुल्हाड़ी है, जिसे एट्रिन नाम के एक नेडा बिलर के एक बौने ने क्रिएट किया है। MCU के अकॉर्डिंग स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के राजा का वेपन है, और स्टॉर्म ब्रेकर को अब तक का सबसे पावरफुल वेपन बताया गया है, और इसके साथ ही थॉर्न ने इस वेपन को थानोस किलर वेपन भी बताया है। स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पावर को फोकस और बढ़ा सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर्स को उड़ा सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, और लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल वेपन है कि थॉर ने इसका इस्तेमाल करके मैड टाइटन थानोस का भी सामना किया है, जबकि उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर से कितना ही दूर हो, लेकिन उसके सोचने भर से उसके पास जा सकता है, बिल्कुल मियोनियर की तरह। स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर्स को हील भी कर सकता है और उसकी इंजरी को ठीक कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर भी जब स्टॉर्म ब्रेकर क्रिएट हुआ था, तब उसने थॉर के हाथों में जाकर उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर के हेल्प से उसका यूजर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर अपने एनर्जी से प्लैनेट्स को भी तबाह कर सकता है। इस वजह से स्टॉर्म ब्रेकर एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। तो अब हम बात करते हैं नेक्रो शॉट के बारे में। तो नेक्रो शॉट का पूरा नाम ऑल ब्लैक नेक्रो शॉट है, जिसे क्रिएट किया था सिम्बियोट के गॉड नल ने। यह इतना पावरफुल वेपन है जिसने सेलेस्टियल के फाइट के दौरान सेलेस्टियल का सर भी काट दिया था। नल नेक्रो शॉट को अपने प्राइम शॉट के रूप में यूज करता है। नेक्रो शॉट कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, क्योंकि इसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस भी है, और इस वेपन को इसका यूजर अपने माइंड से भी यूज कर सकता है। नेक्रो शॉट जब अपने यूजर्स के पास आता है, तो यह अपने यूजर्स के साथ बॉन्ड कर जाता है, जिसके बाद वह अपने यूजर्स को सुपर ह्यूमनली बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके बॉडी पर एक लेयर यानी एक शील्ड सा बना देता है। नेक्रो शॉट अपने यूजर्स के इच्छा अनुसार अपना शेप भी बदल सकता है, और अगर उसका यूजर चाहे तो किसी दूसरे वेपन के रूप में भी फॉर्म कर सकता है। नेक्रो शॉट मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, साथ ही साथ डार्क एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्रो शॉट अपने पावर के मदद से क्रिएचर को भी क्रिएट कर सकता है। नेक्रो शॉट अपने यूजर्स को हील कर सकता है। अगर कोई नेक्रो शॉट के यूजर को छोटे छोटे टुकड़े में काट दे, तो वो वापस उसे ठीक कर सकता है। तो अब हम इन दोनों वेपन्स के पावर्स को जान गए हैं। तो अब हम इन दोनों वेपन्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है। तो बेशक स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को उड़ा सकता हो, लाइटनिंग अटैक कर सकता हो, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता हो, और थॉर को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हो, लेकिन फिर भी थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर नल के ऑल ब्लैक नेक्रो शॉट को नहीं हरा सकता है, क्योंकि नेक्रो शॉट थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही साथ नेक्रो शॉट स्टॉर्म ब्रेकर से कई फैक्टर में आगे भी है। जैसे नेक्रो शॉट खुद को साइज में बड़ा या छोटा कर सकता है, अपने जैसा वेपन बना सकता है, और क्रिएचर भी क्रिएट कर सकता है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए नेक्रो शॉट थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है। अब मूवी में नेक्रो शॉट को कैसे दिखाता है स्टॉर्म ब्रेकर से पावरफुल या कम, वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।